सो अ क्विक हेलो टू ऑल माई व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पे, एंड आई एम श्योर आप लोग ने मुझे मिस किया होगा. पहले अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप कर लीजिए. सो एनीवेज, आपको मेरे टाइटल से और मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो क्या है. सो आज मैंने सोचा कि स्किन केयर और जो भी मेरा जो भी दूसरा जो भी मतलब थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो है क्या. सो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि स्किन केयर रूटीन तो काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने काफ़ी बार रिव्यू दिया है. तो आज सोचा कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए वीडियो को. सो आज की वीडियो है व्हाट्स इन माय बैग. सो मेरा बैग मेरे पास है, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा दिख रहा होगा कैमरे में, तो ये है मेरा बैग और इसके बारे में आज हम बात करेंगे. इसके बारे में नहीं, इसके अंदर क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि व्हाट्स इन माय बैग मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस वीडियो पे लाइक इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है. और मैं भी बताना चाहती हूँ कि यार मैं भी अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ जो मैं उनके बिना नहीं निकलती अपने घर से. वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बिकॉज मेरा कुछ अदर कमिटमेंट्स भी है, तो फिर मुझे उनमें भी ध्यान देना था. कुछ काफ़ी टाइम से थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं थी, सो वीडियो से थोड़ा ब्रेक लिया था. बट मेरा वॉच टाइम और मेरे सब्सक्राइबर डाउन होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे और दूसरे वीडियोज़ को भी ढेर सारा लाइक करिए. मैं फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और ढेर सारे वीडियोज़ के बारे में मैं आप लोग को बताती रहूँगी. बट उसको जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो ये है एक टोट बैग जो कि काफ़ी नॉर्मल सा बैग है. मैं कोई एकदम फैंसी एक्सपेंसिव बैग यूज़ नहीं करती, जो मुझे नहीं अच्छा लगता, लाइक मेरे को वेस्ट ऑफ मनी लगता है. बैग्स अगर होने चाहिए थोड़े डिफरेंट, थोड़े ट्रेंडी, थोड़े क्वर्की टाइप की, तो मुझे टोट बैग्स तो भाई बहुत पसंद है. मुझे स्लिंग बैग बहुत पसंद है और वैसे मेरी जो बैग्स का प्यार है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है. मुझे कोई कहीं भी दिख जाए ना बैग, मैं फटाफट जाके वो पहले एक बैग चूज़ करूँगी, चाहे मुझे कुछ और लेना हो, बट अगर मेरे पॉकेट में पैसा हो तो मैं तो फटाफट पहले बैग ही खरीदूँ. वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं झट से बताती हूँ कि मैं अपने बैग में क्या कहती हूँ. तो पहला तो सबका बेसिक चीज़ होती है वो है, उसको पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि वो क्या है. सो आप लोगों को पता ही है वो है वॉलेट. तो ये है मेरा वॉलेट जो कि एकदम बेसिक सा वॉलेट है, लगता है ये मेंस वॉलेट है. बट मैं कब से ये यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे लकी मानती हूँ कि ये जब से आया है ना काफ़ी सारा कैश आया है. सो एनीवेज, तो ये एक वॉलेट है, इसमें मेरे कार्ड और भगवान जी की फ़ोटो भी मैं रखती हूँ, पैसे और है कॉइन्स तो मैं इस वॉलेट पे रखती हूँ. तो पहला तो ये जाएगा वॉलेट जो कि ये बैग से नहीं निकलता है. अगर कभी मैंने बैग चेंज किया तो ये भी मैं चेंज करती हूँ. मुझे वो यू नो प्रॉपर एक गर्ल टाइप वॉलेट या वुमेन टाइप वॉलेट्स जो नहीं होते, जो एकदम ऐसे लंबे से होते हैं रेक्टेंगुलर टाइप के और वो एकदम कटिंग अलग अलग से करी हुई है, वो नहीं पसंद है. नॉर्मल एक अगर हो वही पैसा निकालना है और देना है सबको, सो इसमें मैं रखती हूँ. ये थोड़ा मेंस वाले टाइप का लगता है बट नहीं, ये आई कैन कैरी, मतलब मुझे उतना नहीं है कि शो ऑफ करना है कि मुझे इतना यू नो अच्छा सा एक वॉलेट चाहिए जो मैं दिखा सकूँ ऐसे करके, बट वैसा कुछ नहीं है. जस्ट अ नॉर्मल वॉलेट जो कि अपने बैग में रखती हूँ. सेकेंड है ये एक बुक. ज़रूरी नहीं है कि मैं यही बुक कैरी करती हूँ, अभी करेंटली मैं ये पढ़ रही हूँ तो मैं अपने साथ बुक रखती हूँ. कभी अगर मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना है या फिर कहीं बस से ट्रैवल करना है तो फिर मैं ये बुक रखती हूँ, या फिर मुझे कहीं अगर बाहर ट्रैवल करना है तो मैं अपने साथ एक बुक तो ज़रूर कैरी करती हूँ. सेकेंड थर्ड है ये एक छोटा सा पाउच जो कि आपको पता है कितने का है, इट्स जस्ट 20 रुपीज़, जो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट तो नहीं बट बहुत अच्छी जगह से मिला है और इट इज़ जस्ट 20 रुपीज़. कैन यू बिलीव दैट. इसके अंदर है, पहला तो है वेट वाइप्स और है आपका कॉम जो कि इसकी वीडियो मैंने दिखाई थी, बनाई थी इंस्टा पे. मेरे सनग्लासेस यहाँ पे है, फिर लिप लाइनर जो अगर कोई भी मुझे ड्रेस के साथ अगर चूज़ करना है, जैसे कि मेरा बेसिक है मैं इसको रखती हूँ अपने पास ही. और भी एक बेसिक सा है तो ये आपका है पर्पल टाइप का, मतलब
पर्पल भी नहीं बोल सकते हैं उसको। तो ये है एक लिपस्टिक, इसका भी मैंने वीडियो डाला था। और ये तो दो लिप लाइनर, जो भी लिप कलर है ये मेरा बेसिक सा है। इसमें साथ में है ये काजल, जो कि मैं अपने काजल के बिना घर से बाहर तो ज़रूर नहीं निकलूँगी, मतलब ज़रूर नहीं निकलूँगी नहीं, घर से बाहर तो मैं नहीं निकलूँगी। और है मेरा ये बीबी सीसी क्रीम, जो कि लैक्मे 925 है। ये क्रीम मैं रिसेंटली नहीं बोल सकती, साल भर हो चुका है उसको मैं रखती हूँ अपने पास, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा एक नो स्किन को अच्छा लुक देता है। अगर आप कभी जा रहे हो, बिकॉज अगर रोज़ रोज़ तो मेकअप करना पॉसिबल नहीं है, तो आपने ये ज़रा सा लगा दिया और आपका स्किन इतना सुंदर, इतना ब्राइट लगेगा। वैसे मैं पहले नहीं यूज़ करती थी ये सब चीज़ें, मैं तो बस काजल आईलाइनर, उसी को काजल को ही आईलाइनर करना, लिप कलर लगाना, बस दैट्स इट। अब मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करने लग गई हूँ, जिसमें मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि है लैक्मे 925 सीसी क्रीम। अगर ऑफिस के टाइम पे भी जाती हूँ तो फिर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा लगा लो, स्किन एकदम से बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है और अच्छा लुक आता है। और अब अगर ड्रेसअप होकर जा रही हो तो थोड़ा मेकअप अगर नहीं करना है तो प्लीज़ ये ज़रूर लगाओ वैसे, और थोड़ा सा लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना, चेहरे में एक अलग रौनक आ जाएगी। बाय गॉड, तो ये पाउच का काम तो ख़त्म, तो इसको मैं वापस अपने बैग में रख दे रही हूँ। और अभी बताती हूँ कि और क्या क्या है मेरे बैग में। तो ये भी मेरा अभी करेंटली फेवरेट चल रहा है, जो कि लव कंपनी का है रोज़ वाटर, जो कि एक मिस्ट टोनर है। और अगर फेस वॉश, तो आप देखो अगर आप अपने सुबह क्लिंजिंग और अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया, बट आप सेरम सॉरी अगर सनस्क्रीन लगा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो कभी कभी आपका स्किन थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड लगता ही अच्छा है। आप जितना पानी पियो आपको वो फीलिंग होगी कि स्किन थोड़ी डिहाइड्रेटेड, तो तब मैं ये अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे स्प्रे कर देती हूँ और इंस्टेंटली एकदम से स्किन इतनी फ्रेश, इतनी ग्लो करती है। तो ये एकदम से ना रोज़ वाटर है, इसमें और कोई भी केमिकल्स, कोई भी टॉक्सिक कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है, तो ये अपने बैग में मैं अभी रिसेंटली रखने लगी हूँ। अब है एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें मेरी सारी मेडिसिंस होती हैं, जो भी मेडिसिंस लगी है, जो भी लगती रहती है, बेसिक सी फर्स्ट एड जो सबके पास होना चाहिए, सबको कैरी करना चाहिए अपनी मेडिसिंस और अपने बेसिक फर्स्ट एड किट। तो इन बेसिक्स है, कुछ भी हाई एक्सपेक्टेशन मत करना कि मेरे बैग में और क्या क्या निकलेगा। कोई इतना कुछ, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी है, नॉर्मल सी लाइफ है, तो नॉर्मल सी सारे कुछ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं एक फैंसी सा बैग निकालूंगी, उसमें एक अपने मेडिसिन तो रखूंगी, जस्ट एक नॉर्मल डब्बा है, इसी को मैं अपना फर्स्ट एड किट बनाती हूँ। वैसे उसको मैंने कुछ डिज़ाइन वैसे कुछ किया नहीं है, बट ठीक है। तो ये एक डब्बा मैं अपने पास रखती हूँ, मेरे बैग में रहेगा। तो ये फर्स्ट एड किट तो बहुत ही ज़रूरी होती है, अगर इमरजेंसी में कुछ अगर दवाई मिस हो जाएगी, आपको दवाई चाहिए, तो आप घर से किसी और की भी हेल्प कर सकते हो, खुद के भी। मेन चीज़ तो आपने बताई नहीं अपने बैग में, जो कि मैं तो उसके बिना एकदम नहीं निकल सकती, वो है मेरा हेडफोन। नहीं मतलब हेडफोन नहीं उसको बोल सकते, मैं मतलब हमेशा उसको हेडफोन बोलती हूँ, बट एक्चुअल में ये ईयरफोन है, तो थोड़ा ऐसे टैंगल डिटैंगल करना पड़ेगा, अभी ऐसे कंडीशन में है। और ऐसे कंडीशन में रह के मेरे काफ़ी सारे हेडफोन्स, करीबन 50-100 हेडफोन वैसे ख़राब हो चुके हैं। सो ये मेरा कौन सा हेडफोन है, कौन सा नंबर पे चल रहा है, आई डोंट नो, बट ये कंपनी है बोल्ट, और थैंकफुली ये अभी तक चल रहा है। इसको तो आई थिंक सो 6 महीने से ऊपर हो चुकी है, बट उसको मैं काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा ना ऐसे चलो टैंग मतलब ऐसे गुच्छा गुच्छा तो है ही है, टैंगल्ड है, बट मैं इसको ना आराम से पाउच बैग में रखती हूँ। तो इसमें वो पाउच बैग में नहीं था, तो अभी मेरे को दिखा, मेरे को अरे इसके बारे में तो मैंने बताना ही भूल गई कि इसके बिना तो मैं नहीं निकलूँगी। ईयरफोन ज़्यादा पसंद है, तो मैं ईयरफोन अपने बैग में तो ज़रूर रखती हूँ। फिर तो है ये चार्जर, जो कि सबका बेसिक है, सब अपने चार्जर बैग में रखते हैं, तो उसमें कुछ खास बात नहीं है कि अपने बैग में मैं और क्या रख रही हूँ। तो ये है चार्जर, और अब बचे सिर्फ दो आइटम, जो कि मेरे वो बहुत ही खास है, बहुत ज़्यादा मैं उसको मैं नहीं जा मतलब भूल के भी मैं उसको घर पे नहीं छोड़ के जाती, मैं अपने पास ही रखती हूँ। वैसे दो नहीं, तीन चीज़ें हैं, बिकॉज एक तो हो गई घर की चाबियाँ, तो अभी वैसे मैं घर पे ही हूँ, तो अभी घर की चाबियाँ तो बाहर रखी हुई है, घर की चाबी इसमें नहीं है, जब निकलती हूँ तब अपने घर की चाबी रखती हूँ। और तो दो चीज़ हो गई है, वो पहला है मेरा ये
बुक जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, इज द ग्रैटिट्यूड बुक विच आई ऑलवेज कीप इन माई बैग. सो इसके बिना मैं नहीं रखती कुछ भी. मुझे ध्यान आता है कुछ भी, नोट्स नहीं, अगर कुछ भी अच्छा लगता है मेरे को कि हाँ आज मेरे दिन में ये अच्छा चीज़ हुई है, सो मैं यहाँ इसमें लिख देती हूँ. दिस इज़ फ्रॉम आर्ट रूम एंड दिस इज़ अनस्पॉन्सर्ड. मैं इसको कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रही. सो ये आर्ट रूम से मैंने परचेज किया था, बहुत पहले परचेज किया था, ये अभी भी चल रहा है. सो ये मैं अपने पास रखती हूँ. इसमें फर्स्ट पेज में लिखा है मोस्ट फेवरेट आपका क्या है, अगर दिख रहा होगा आपको. तो यहाँ पे है एक एक करके चीज़ें लिखी है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है, ग्रेटफुल क्या हो, थिंग्स यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर सेल्फ. और यहाँ पे छोटे छोटे कोट्स भी लिखे हुए हैं, अगर दिख रहा होगा. तो यहाँ मैंने लिखा है और ये मेरे बैग में हमेशा रखता है. तो मैं अपना बैग थोड़ा ना हैवी करके रखती हूँ. सो ये तो मेरे बैग में हमेशा ही रहेगा, मैं इसके बिना नहीं निकल. वो चीज़ भी नहीं बोल सकती, मेरे को अभी चीज़ें दिख रही है. तो वो चीज़ है मेरी क्रीम, जो कि वो मेरे पाउच में नहीं थी उस टाइम, तो मैंने अभी देखा तो इसमें थी. तो क्रीम भी मैं अपने पास रखती हूँ. मॉइस्चराइजर के ऊपर अगर आप सीसी क्रीम रखो तो वो बहुत ही अच्छा एक स्किन को अच्छा फील देता है, अच्छा एक हाइड्रेटेड स्किन आपकी फील होती है. और आप देख रहे होंगे ये पेंसिल लेके क्या कर रही है, तो मैं एक पेंसिल भी अपने साथ रखती हूँ, जो कि मेरा नोटबुक और एक पेंसिल या पेन जो भी अगर हो तो पेन भी मेरे पास है. तो पेन का भी मेरे बहुत नखरे हैं कि अगर कोई अच्छा पेन हो जो अच्छा लिखता है, तो वो पेन जैसे उतना एक फाइन राइटिंग अगर हो तो वो पेन अपने पास रखती हूँ. और एक है आपका हैंडकरचीफ, जो कि एक बेसिक सा है कि हैंडकरचीफ तो अपने बैग में हम रखते ही हैं. बाकी है फाइनल वीडियो का अभी एंड. तो ये मैं इस अपने प्यारे से बैग में इतना सारा सामान लेके जाती हूँ, इसलिए मैं अपने पास टोट बैग रखती हूँ. बैग को अभी तो मैं चेंज करने का नहीं सोच रही हूँ, तो कभी अगर मेरे को बैग चेंज करने का हो तो फिर मैं दूसरे बैग में ये सारा सामान शिफ्ट कर देती हूँ. तो ये है वीडियो का एंड. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. टिल देन मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे. सो टिल देन टेक केयर, बाय.